ब्रह्मगुरु को उसके बाद फरमाया पांचवा जो आदमी है वो रिश्ते नातों को तोड़ने वाला। रिश्ते नातों को तोड़ने वाला मतलब कौन? जैसे आज के जमाने में जरा जरा सी बातों पे से रिश्तेदारों में आपस में टकराव हो जाता। रिश्तेदार आपस में एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं रहते। रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को सलाम नहीं करते। फरमाया ये जो रिश्ते नाते को तोड़ना है इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस आदमी पर नहीं नाजिल होती जो रिश्ते नाते को तोड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। आपने कहा दुआ के लिए हाथ उठाओ। अब सहाबा इकराम ने हाथ उठाए, फिर आपने फौरन कहा एक मिनट रुक जाओ। बोले आपने कहा ये मजलिस में कोई ऐसा आदमी हो जो रिश्ते नाते के तोड़ने वाला हो वो अल्लाह के वास्ते इस मजलिस से उठ के चला जाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला उस मजलिस की दुआ को कबूल नहीं करते जिसमें कोई भी जो है कतार रहमी करने वाला हो, और अल्लाह उन लोगों की तोबा को कबूल नहीं करते जिनके बीच में कोई रिश्ते नाते को तोड़ने वाला। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों आदमी के दिल के ऊपर जो है ना ये पत्थर रखने वाली बात है, और बहुत ही अपने आप को जो है ना यानी दिल को ठेसने जैसी बात है कि किसी से आदमी की नहीं बन रही है उसको सलाम करना या उससे रिश्ता डबल से शुरू करना, यानी बहुत बोझ महसूस होता है। मगर आदमी ये सोच के ये बोझ बर्दाश्त कर लेगा कि जाने दो यार, थोड़ा अपने आप को छोटा समझ लेंगे, या वो बेचारा अपने आप को बड़ा समझता, ठीक है तू बड़ा, हम उसको सलाम करेंगे मगर कम से कम उसके दिल में मोहब्बत तो पैदा करेंगे। अपना भाई है, अपना साड़ू है, अपना रिश्तेदार है, अपने गांव वाला है या अपना पड़ोस वाला है, कोई भी हो, फरमाया उसको अगर हम सलाम करेंगे और हम कोशिश करेंगे उसको अपने करीब बनाने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे आदमी के ऊपर अपना रहमत को नाजिल फरमा दी।